What's up guys, morning, good morning to everyone, I am Sudhir. So today lecture, this was it article, the Hindu literature of analysis, और देखेंगे हम लोग क्या कुछ नया आर्टिकल है आज के और आज के आर्टिकल में हम बात करेंगे ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है आपको दिल्ली में, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे कि फार्मर्स को लेकर एक्ट क्या क्या है और क्यों फार्मर्स अभी भारत बंद के नारे लगा रहे हैं और ये चीज़ें क्यों दिखाई दे रही हैं, तो इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडियंस को लेकर। तो ये थर्ड ऑडियंस है, ये थर्ड ऑडियंस है जो कि बात करता है। अभी ऑडियंस होता है, आपको बता दें पहले कि ऑडियंस अभी एक्ट के पहले जो होती है, एक्ट के पहले एक्ट होता है मतलब कि हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अगर हम पार्लियामेंट से और लोकसभा राज्यसभा से, ये तीनों चीज़ें अगर तीन जगह से हम लोग बैठक कर और इसको पास करेंगे, इस बिल को पास करेंगे, बिल होता है एक्ट के पहले बिल होता है, तो उसी बिल को हम लोग यहाँ पे ऑडियंस के रूप में बोलेंगे हम लोग ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस जो होता है बिल की तरह ही होता है। तो जब हम कोई भी चीज़ कोई भी लॉ अगर हम पार्लियामेंट से पास करेंगे, लोकसभा राज्यसभा से पास करते हैं, तो वो जाकर एक्ट बनती है और एक्ट हमारा एक कन्फर्म हो जाता है कि यह लॉ चलेगा तो चलेगा, हमारे कंट्री में लॉ बन जाता है, वो एक प्रकार से रूल बन जाता है, रेगुलेशन बन जाता है, जो कि उसके हिसाब से कोई भी अगर जिस ऊपर जिस सिस्टम के ऊपर वो लॉ लगता है वो सिस्टम उस लॉ के हिसाब से ही कार्य करता है। तो ये चीज़ हो जाती है अगर एक्ट बन जाता है कोई चीज़ तो। लेकिन अभी ऑडियंस की बात करेंगे हम लोग। तो थर्ड ऑडियंस बना था ये, जो कि फार्मर एक्ट था ये। तो फार्मर एक्ट कब बना? तो फार्मर एक्ट जब हमारे पार्लियामेंट से लोकसभा राज्यसभा से पास किया गया, तो ये फार्मर एक्ट बना जो कि स्टेट ऑफ काउंसलिंग यानी कि ये अब इम्पावर दिया, ठीक है। तो ये आप लोग जान सकते हैं कि ये एक्ट कब होता है और बिल कब होता है। और जो कोई भी अमेंडमेंट होता है, मैं बार बार बताया हूँ कि कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट होता है तो वो ए लिखा होता है, कैपिटल ए अगर लिखा होता है, जैसे कि आर्टिकल 12 ए, ठीक है। आर्टिकल 12 ए का मतलब कैपिटल ए जब लगाया होता है, यानी कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से नहीं था, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर लगाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बात करते हैं फार्मर्स को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके लिए, तो फार्मर्स का जो तीन हम बोले थे कि तीन ऑडियंस है, थर्ड ऑडियंस है यानी कि तीन बिल है। तो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड द प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योर एंड द फार्मर सर्विस एक्ट, ये है आपका पहला, ठीक है। दूसरा है आपका फार्मर्स प्रोटेस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स वाला है, ट्रेड एंड कॉमर्स वाला है ये एक्ट है। परमिशन एंड द फैसिलिटेशन ऑफ द एक्ट, ठीक है। और तीसरा है आपका, ये आपका इंसेनियल कॉमोडिएट्स एंड अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। तो अभी ये तीन ऑडियंस है जो कि अभी आपको देखने को मिल रहा है, और यही तीन ऑडियंस को लेकर यहाँ पे ये बिल को लेकर यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट आपको दिखाई दे रही है। कहीं भी आपके पंजाब और हरियाणा के साइड से जो किसान भाई हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट किस लिए किया जा रहा है आपको अगर समझाने की कोशिश किया जाए, तो ये प्रोटेस्ट आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने ज्योग्राफी के सेक्टर में या इकोनॉमी के सेक्टर में, जब सब्जेक्ट लेंगे आप तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा एमएसपी के बारे में, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि एमएसपी होता है, यानी कि जैसे हम जीएसटी की बात करते थे, कि किसी भी प्रोडक्ट में अगर जीएसटी लगा है तो वो जीएसटी अगर किसी भी प्रोडक्ट पर लगा है तो वो जीएसटी के हिसाब से, यानी कि कोई भी अगर स्टेट है, अगर अलग अलग स्टेट है, डिफरेंट स्टेट है, तो अलग अलग अपना टैक्स नहीं लगा सकती है। जीएसटी का मतलब कि आप अलग अलग टैक्स किसी भी स्टेट में नहीं लगा सकते हैं, सारे स्टेट में एक ही टैक्स लगेगा, ठीक है। वो जीएसटी का मतलब ये होता है, आपको अगर बिस्किट 5 रुपये का हम भी खरीद रहे हैं तो अंबानी का लड़का भी 5 रुपये का ही बिस्कुट लेगा, ये होता है जीएसटी का मतलब। कि आप अगर टैक्स यहाँ पे 1 रुपया लगा रहे हैं किसी राज्य में, तो अगले राज्य में भी 1 रुपया ही लगेगा। लेकिन अगर जीएसटी किसी प्रोडक्ट पर नहीं होता है तो क्या होता है, जीएसटी अगर किसी प्रोडक्ट पर नहीं होता है तो वो अलग अलग प्राइस में बिकता है,
यानी कि अगर बात करें अभी जीएसटी किस चीज़ पर नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं है, पेट्रोल पर नहीं है। तो पेट्रोल आपको देखने को मिलता है कि कहीं 75 है, कहीं 85 है, ऐसे आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इस पर जीएसटी नहीं लगा हुआ है। तो सेम कंडीशन आप अगर इस पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, यानी कि सेम इम्प्लीमेंट करेगा इस पर एमएसपी पे। तो एमएसपी वही होता है कि अगर आप एमएसपी किसी भी प्रोडक्ट पे लगा दिए फार्मर्स के, यानी कि अगर हम राइस ले लें, अगर राइस पे अगर हम एमएसपी लगा दिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वो सपोर्ट है एक, यानी कि वो किसान को सपोर्ट है कि वो किसान किसी भी स्टेट्स में अगर किसी भी स्टेट्स में राइस अगर 12 रुपीज़ चल रहा है, तो किसी भी स्टेट में 12 रुपीज़ चलेगा, किसी भी स्टेट में 12 रुपीज़ चलेगा, हर एक स्टेट्स में 12 रुपीज़ ही रहेगा, 12 रुपये ही रहेगा, ना कि उसको हम 15 रुपये बेच सकते हैं या 13 रुपये ले सकते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं होगी, और इसी चीज़ को लगाने के लिए, एमएसपी लगाने के लिए बात की जा रही है किसान के द्वारा। लेकिन अभी ये जो एमएसपी लगने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान होगा, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाह रही है कि ये चीज़ें हो। तो ये चीज़ें आपको प्रोटेस्ट दिखाने को मिल रहा है। तो आई होप कि आप लोग ओवरव्यू समझ रहे होंगे कि क्या है चीज़ें और क्या कंडीशन अभी चल रही है। अगर हम बात करें आगे, पास कैसे होता है कोई भी चीज़, अगर कोई भी लॉ है तो हम पास कैसे करते हैं, तो ये पास कैसे किया गया है। तो कोई भी चीज़ों को हम लॉ को अगर पास करने की कोशिश करते हैं, तो हम पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट में बातें करते हैं, संसद जो होते हैं यानी कि MLA जो होते हैं उनके डिस्कशन किया जाता है, और लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन किया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट में इसको, हाई कमीशन में इसको डिस्कशन किया जाता है, उसके बाद कोई भी लॉ पास किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जब से यहाँ पे प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है, तब से यहाँ पे ऐसी चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें नहीं दिखने को मिल रही है। यानी कि अगर 370 की बात करें या यही फार्मर एक्ट की बात करें, तो ये फार्मर एक्ट या 370 काफ़ी कम समय में इसको, लॉ को पास किया गया, बिल को एक्ट में कन्वर्ट किया गया। लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ये डिस्कशन कर एक ओवरव्यू लेकर, लोगों से बात कर ये विचार कर ये कहीं ना कहीं पास करनी पड़ती है। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला है। तो ये इसीलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पास्ट हुए, काफ़ी समय इसमें नहीं लगा और ये तुरंत करा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है खींचतानी हमारे फार्मर्स के और गवर्नमेंट के बीच में। अगर बात करें तो पास कैसे होता है, कोई भी लॉ अगर पास करना होता है, तो कोई भी लॉ अगर पास करना होता है तो हम लिस्ट लेकर चलते हैं। लिस्ट क्या होता है, तो लिस्ट 3 प्रकार की लिस्ट होती है, यानी कि लिस्ट जो होती है 3 प्रकार की लिस्ट होती है, 3 प्रकार की, एक स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ये 3 लिस्ट होती हैं। स्टेट लिस्ट का मतलब कि कोई भी चीज़, कोई भी लॉ स्टेट द्वारा पास किया जाएगा। ठीक है, स्टेट लिस्ट का मतलब होता है कोई भी लॉ अगर होगा तो वो स्टेट ही पास कर सकता है, उसके में हस्तक्षेप कोई नहीं करेगा, सेंट्रल हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो जो भी स्टेट लिस्ट में आता है ला, वो स्टेट पास करता है। सेंट्रल लिस्ट में ला आता है तो सेंटर पास करता है, लेकिन कंकरेंट लिस्ट में आता है तो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर पास करता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको साफ जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में। अगर बात करें यहाँ पे फार्मर्स को, तो फार्मर्स को किस लिस्ट में रखा गया है ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो फार्मर्स को, हमारे जो फार्मर्स है इनको स्टेट लिस्ट में रखा गया है। जी हाँ, स्टेट लिस्ट में फार्मर्स को रखा गया है। मैंने अभी बात किया कि स्टेट लिस्ट में जो भी रहेगा ला वो स्टेट पास करेगा, लेकिन यहाँ क्या देखने को मिल रहा है आपको, कहीं ना कहीं आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि हस्तक्षेप करते हुए, यानी कि इंटरफेयर करते हुए यहाँ पे सेंट्रल को, सेंटर स्टेट के बीच में इंटरफेयर कर रहा है यहाँ आकर। क्यों? क्योंकि स्टेट लिस्ट में आता है भैया, ये फार्मर्स जो होता है, फार्मर्स स्टेट लिस्ट में आता है, और यहाँ पे स्टेट को ही अपना अधिकार है कि इसको पास कर सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर को, जो भी एग्रीकल्चर के हिसाब से एक्ट होगा उसको पास करेगा स्टेट, बट इसमें सेंटर भी आ रहा है, यानी कि सेंटर इंटरफेयर कर रहा है, और सेंटर को ये नहीं करना चाहिए लेकिन यहाँ पे ये कर रहा है, चीज़ें दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक ओवरव्यू
आपको मिल रहा है कि सेंटर इंटरफेयर कहीं ना कहीं कर रहा है, तो सेंटर को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सेंटर लिस्ट में अगर आता तो हम मानते हैं कि हाँ भाई सेंटर अपना कार्य कर सकता है, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में आता नहीं है। हमारा जो एग्रीकल्चर है ये स्टेट लिस्ट में आता है, तो स्टेट लिस्ट में आने के बावजूद भी आप स्टेट को पावर नहीं दे रहे हो, पूरा पावर सेंट्रल ले रहा है और सेंट्रल अपना कार्य करता कर रहा है। तो वैसे ही अगर कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट में आपका हेल्थ रिलेटेड आता है। हेल्थ रिलेटेड मतलब कि हेल्थ रिलेटेड जो भी कुछ एक्ट होगा, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा, तो वो स्टेट और सेंट्रल दोनों को लेकर कार्य किया जाएगा, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको समझने की ज़रूरत होगी। अगर बात करें सेपरेशन ऑफ पावर की, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने अभी बताया कि स्टेट लिस्ट में आता है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मर से रिलेटेड जो भी एक्ट होगा वो स्टेट पास करेगा, स्टेट के द्वारा पास किया जाएगा। लेकिन स्टेट्स के द्वारा पास कहाँ से किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है, इंटरफेयर कौन कर रहा है? तो सेंट्रल इंटरफेयर कर रहा है स्टेट में, स्टेट के लाभ में सेंट्रल जब इंटरफेयर करता है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है, आप पावर शेयरिंग पढ़े होंगे, चैप्टर पावर शेयरिंग है हमारे क्लास टेंथ का जो पोल्ट्री है उसमें पावर शेयरिंग की बात की जा रही है। पावर शेयरिंग मतलब कि अलग अलग पावर अपना दर्शाया गया है कि सेंटर अपना पावर काम करेगा पावर के हिसाब से, और स्टेट अपना पावर के हिसाब से काम करेगा। लेकिन यहाँ इंटरफेयर देखने को मिल रहा है इस एक्ट को लेकर, इस बिल को लेकर अगर पार्टिकुलरली बात करें तो पावर इंटरफेयर भी यहाँ पर हो रहा है। यानी कि जो पावर आप दे चुके हैं स्टेट को, वो पावर आप खोना चाहते हैं, आप छीनना चाहते हैं, यानी कि उस पावर इंटरफेयर भी कर रहे हैं आप। यहाँ पर सेपरेशन कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ये नहीं मिल रहा है कि लेजिस्लेटिव अपना काम करेगा, जुडिशरी अपना काम करेगा और एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा। ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि ये इंटरफेयर कर रहे हैं तीनों चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको, ये सेपरेशन ऑफ पावर भी यहाँ पर नहीं अलाउ हो रहा है। एक्ट चेंज हो रहा है, काइंड्स ऑफ फार्मर्स जो है ये ट्रेड डिजिटल कनेक्टेड कर रहा है, यानी कि डिजिटली हो रहा है हर चीज़ डिजिटल ही हो रहा है। ये जो भी हमारे सेंटर के द्वारा, हालांकि सेंटर के द्वारा नहीं करना चाहिए, स्टेट के द्वारा करना चाहिए, लेकिन अगर सेंटर कर भी रहा है तो ये डिजिटली रूप से कर रहा है। ताकि अगर डिजिटली रूप से करने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर हम डिजिटली रूप से कोई भी एक्ट को पास करेंगे और लगाएंगे अगर फार्मर्स के, तो फार्मर्स उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। क्योंकि फार्मर्स पहले ही फार्मर है और उतना वो शिक्षित नहीं है, एजुकेटेड नहीं है ताकि वो इंग्लिश को जान सके और इंग्लिश को पढ़ सके, डिजिटली को समझ सके। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उसको समझानी पड़ेगी दूसरे के द्वारा, तो ये प्रॉब्लम्स उसके सामने आएगी क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा। और आप डिजिटली कर रहे हो ये चीज़ें, और डिजिटली रूप में आपको कहीं ना कहीं आप एक अंधभक्त के टाइप के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चुप रहो, आप अपने आँखों के ऊपर पट्टी बांध लो, हम अपना कार्य करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। फार्मर्स कहीं ना कहीं लाइव वोट बोले जाते हैं, फार्मर्स लीव वोट बोले जाते हैं, यानी कि ये जीवन बोले जाते हैं कि हर एक लाइफ के जीवन का महत्व फार्मर्स है। फार्मर्स नहीं रहेंगे तो आप अपने लाइफ नहीं जी पाएंगे, हम भी अपने लाइफ नहीं जी पाएंगे। लेकिन जो भी राइट टू लाइफ का बात करते हैं, तो राइट टू लाइफ का भी यहाँ पे हनन होने को दिख रहा है। जो राइट टू लाइफ की बात करते हैं, अगर हम आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जो होता है राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट में, तो फंडामेंटल राइट में जो राइट टू लाइफ है उसको भी यहाँ पर हनन करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर इस ये बिल अगर पास हो रहा है, अगर फार्मर्स का यहाँ पर बातें नहीं हो रही है, तो यही था आर्टिकल। और इस आर्टिकल में यही कुछ हम लोग सीखे और जाने कि फार्मर्स यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे आकर यहाँ पे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और फार्मर्स कोई भी बिल एक्ट पास कैसे होता है, ये चीज़ हम लोग जानकारी दिए और यहाँ पे समझे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे लेक्चर यहाँ पे, और काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्कस किए एक्ट के बारे में, बिल के बारे में। तो बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, काफ़ी कुछ डिस्कस किए। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कहीं भी सोशल मीडिया पे, और फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।